चैप्टर नंबर 11 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यू नो दैट नाउअडेज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट आर ऑन राइज। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ब्लॉक्ड। क्या बताया जा रहा है कि आज के टाइम पे जैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है ना। बहुत से लोग हैं जो पहले कैश में ही बिलीव करते थे कि हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, कैश में देंगे, कैश में लेंगे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। रीजन, क्योंकि जब जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है कोई भी पर्सन क्या करता है, बल्क में उठाता है कोई भी चीज, वो ज्यादा क्वांटिटी में उठाता है, बराबर। तो हर कोई क्या समझता है कि कोई ज्यादा क्वांटिटी में उठा रहा है तो इन फ्यूचर उसको पैसा भी उतना ज्यादा ही मिलेगा, बराबर। अब इसके अंदर मेन प्रॉब्लम कहां पर आ रही है कि आपका कितना ही पैसा है ना, क्योंकि आप अगर क्रेडिट पे किसी को दे रहे हो, सपोज अगर मैं सेलर हूं और मेरे सामने कोई बायर आया है, ठीक है, उसने ह्यूज क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट मांग लिया लेकिन क्रेडिट बेस पे, ठीक है, मैंने वो सारी चीज उसे क्रेडिट पे दे दी। अब क्या है कि इन फ्यूचर मेरा पैसा अटक गया है, ब्लॉक हो गया है, बोल रहे किस लिए, क्योंकि मैंने तो क्रेडिट पे दिया था, उस पैसे को मेरे पास आने में बहुत ही लंबा एक टाइम लग जाएगा, बराबर। हर जगह यही होता है, किसी एक चीज के बेनिफिट अगर आपको दिख रहे तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी क्या है, आपका पैसा बहुत ब्लॉक हो जाता है। Then there is no certainty when the amount will be paid। कोई टाइम लिमिट या सर कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है कि आपको इस टाइम पे आपकी अमाउंट मिल जाएगी, मे बी ड्यूरेशन आगे पीछे होता ही रहता है। और सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज गिविंग दिस फैक्ट इन राइटिंग इन प्रॉपर फॉर्म सो दैट द बायर और अ डेटर हैज टू पे अ डेफिनेट सम टू द सेलर और अ क्रेडिटर ऑन डिमांड और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। क्या बताया जा रहा है कि अगर आप क्रेडिट पे किसी को कुछ दे रहे तो एक क्या बताया जा रहा है कि अगर आप क्रेडिट पे अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो इसका एक सॉल्यूशन कैसा है कि मे बी आपको ध्यान में ना हो, बहुत सी बार होता है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक ही बिजनेस में होते हैं और क्रेडिट पे भी होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं कि हर बार आपको वो चीज याद है कि मैंने इसको कितना टाइम पीरियड के लिए बोला था। सामने वाला पर्सन भी आपको यही बोलता है कि एक काम करना, मैं तुझे कुछ दिन के बाद पैसे देता हूं, तो वो जो कुछ दिन है वो हर किसी के डेटर्स की थोड़ी याद रहेगी कि किसने कितने दिन के बोले। तो उसमें क्या किया जाता है, एक रिटर्न नोट लिखी जाती है जिसके अंदर एज अ बायर एंड हम सेलर हम दोनों ये एग्री करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर डेट एक डिसाइड की जाती है कि इस डेट तक तुम मुझे मेरा पेमेंट पूरा दे दोगे, जिसे बोला जाता है मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, कि इस डेट तक तो हमें पैसा पूरा मिल ही जाना चाहिए। दोनों पर्सन डील करेंगे, जो बायर है वो एंड द सेलर दोनों ये चीज डिसाइड करेंगे, बराबर, कि कब तक ये पैसा मिल जाना चाहिए। वैसे फॉर्मल डॉक्यूमेंट को फॉर्मल डॉक्यूमेंट क्यों बोला, क्योंकि रिटर्न है इसीलिए क्या है वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। Such a formal document duly signed by both the parties is called bills of exchange। क्या बोला जाता है उसे, bill of exchange बोला जाएगा, बराबर है। Bill of exchange किसे बोला जाता है, when such a document is given by the debtor or a buyer, the person who buy from us is a buyer, from his own side it is called a प्रॉमिसरी नोट। ये प्रॉमिसरी नोट अब जो वर्ड आया है ये किसके बिहाफ पे बताया है, किसकी तरफ से बताया है, जो हमारा डेटर है या तो जो पर्सन खरीद रहा है हमारे से, तो सामने वाला ही, तो सामने वाला जब भी ये नोट बताएगा, क्या नोट दे रहा है वो बता रहा है ना, कि सपोज कोई भी एक डेट है ना, कोई भी एक डेट ले लो, ठीक है, 10 तारीख है, सपोज आज जैसे 10 तारीख है, ठीक है, 10/11/2020, बराबर, ये डेट है, क्लियर। अब उसने क्या बोला है, जो बायर था जिसने हमारे पास से खरीदा, ये कौन है, बायर, वो क्या बोल रहा है कि मैं काम करता हूं, मैं आपको 20/10/2020 को, डेट मींस 10 डेज आफ्टर 10 डेज मैं आपको आपका पूरा पेमेंट दे दूंगा। ये कौन बोल रहा है, एक डेटर, हमारे लिए कौन है, हमारा डेटर है वो, है ना, हमारे लिए कौन है, डेटर, उसने हमसे वो चीज बाय करी, मतलब वो खुद भी कौन हुआ, एक बायर, बराबर, उसके भी हाँ, वो बायर है, हमारे लिए वो हमारा डेटर है,
क्या बोला कि भाई मैंने 10 तारीख को तो तुमसे परचेस किया था, ये चीज क्या की थी उसने हमसे परचेस की थी, बराबर कौन सी डेट को देने के लिए बोल रहा है 10/11/2020। तो डेटर की तरफ से ये स्टेटमेंट उसकी तरफ से आ रहा है कि 10 डेज के अंदर आपको आपका पेमेंट मैं दे दूंगा, तो वो क्या है उसकी प्रॉमिसरी नोट है, क्या है वो उसकी तरफ से क्या है प्रॉमिसरी नोट है। क्लियर, समझ में आया कि किस तरीके से प्रॉमिसरी नोट डेटर की तरफ से आती है। जस्ट लाइक एग्जांपल दिया है, आगे हम इसको और डीप में पढ़ेंगे किस तरीके से होता है ये। देन दीज टू डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रिपेयर हुआ था, बना था कब 1881 में, उसके बेसिस पे ही आप सारी चीजें इसमें मेंशन करेंगे, बराबर। अटेंड्स द पोजीशन ऑफ मनी एंड आर यूज्ड फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू, जो अमाउंट बाकी है लेना वो आप एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उसे पूरा उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसा आएगा वो देखेंगे। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द टू इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ पार्टीज कंसर्न, कौन से दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोमिसरी नोट। यही चैप्टर में हम इन्हीं दो को ब्रीफ में पढ़ेंगे किस तरीके से होता है, बराबर। चलिए now here we have 11.1 bills of exchange and their meaning, kya hota hai meaning, according to section 5 as per our constitution hai us section ke 5th section number 5 of negotiable instrument act 1881, negotiable act uska section number 5th mein kya bataya gaya, a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ये लॉ की लैंग्वेज में आपको पूरा बताया गया एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है ये बता दिया गया कि रिटर्न डॉक्यूमेंट में रिटर्न में दोनों पार्टी एग्री होगी कि इस तारीख को या व्हाटएवर जो डेट है उस डेट पे मैं किसको पैसा दूंगा, आइदर जो पर्सन है उसे या किस कोई उसके बिहाफ पे भी कोई और है जो मनी कंडक्ट कर ले लेगा, बराबर। वो सारी चीजें आपको उसके अंदर स्पेसिफाई करनी होती है, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आप नहीं बताएंगे। क्लियर, सारी आपको इंफॉर्मेशन उसमें देके रखनी होगी। चलो आगे देखेंगे हम किस तरीके से इसका फॉर्मेट भी होता है। चलिए, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या इसके फीचर्स हैं वो देखो। फर्स्ट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन बाय द क्रेडिटर अपॉन हिज डेटर, किसकी तरफ से दिया जाता है, ड्रॉन किया जाता है क्रेडिटर की तरफ से, डेटर को दिया जाता है, बराबर। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट, इसमें आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती है इसलिए अनकंडीशनल ऑर्डर बता दिया गया है। अमाउंट कौन सी होगी, स्पेसिफाइड, जितनी थी उतनी ही अमाउंट पे बात की जाती है। एंड फिर वो डिपेंड करता है बिजनेस पे कि यार तुम इतने टाइम के बाद दे रहे हो तो मे भी तुमको थोड़ा अमाउंट ज्यादा देनी होगी, कोई डिस्काउंट देता है तो मे भी अमाउंट थोड़ी कम होगी, डिपेंड करता है वो किस तरह के ऑफर दे रहे है ना। थर्ड वन, द स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल टू द पर्सन नेम्ड इन द बिल और टू हिज ऑर्डर और टू द बियरर, बियरर मींस द पर्सन हु रिसीव, द पर्सन हु रिसीव, बराबर। तो अब यहां पर क्या है, सपोज जैसे आपको बताया गया था इसे एक डेट दी गई थी 10/11, अब यहां पर है कि 20 डेट को वो पैसा दे देगा, तब उस टाइम पर उन्होंने क्या बात कर रखी है कि कौन सा पर्सन उसको रिसीव करेगा, आइदर वो नाम उस बिल पे लिख कर रख देगा कि भाई जो भी नाम है ए नाम का पर्सन है उसको मैं दे दूंगा, या तो जो ऑर्डर नंबर है वो बता दो, या ए जो पर्सन है वो 20 तारीख को वहां पर होगा नहीं तो उसके बिहाफ पे किसको दे, इसके बिहाफ पे बी है वहां पर, ये भी काम करता है ना, तो द पर्सन हु बियर
इज बी। क्लियर, समझ में आ रहा है? एग्जांपल है ए और बी, नाम के थ्रू है चल रहा है। देन द बिल मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, मेकर की तरफ से साइन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसको बिल इनकम्प्लीट ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऐसे बिल तो कोई भी बना के दे सकता है। क्लियर, आइदर आपका साइन होना चाहिए और आपका स्टैंप भी उस पे होना चाहिए। क्लियर, तभी तो प्रूफ होगा कि आपकी तरफ से ही आया है। द बिल स्पेसिफाइज द डेट बाय व्हिच द अमाउंट शुड बी पेड, डेट दी जाती है स्पेसिफाई की कौन सी डेट तक में आपको पूरा पेमेंट दे दिया जाएगा। बराबर, इट कैन बी पेबल टू द बेयरर। बराबर, नाउ कौन सी इसमें पार्टी होती है, पार्टीज ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मे बी यही सारे नाम आपने बहुत से बार सुने ही होंगे, लाइक ड्रॉवर, ड्रॉई, एक्सेप्टर एंड द पेई। ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ वर्ड्स के ऊपर देखिए क्या बताया। ड्रॉवर, ड्रॉवर पर्सन कौन हुआ? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मींस द पर्सन हु प्रोवाइड द जॉब इज एन एम्प्लॉयर, एंड द पर्सन हु डू द जॉब है ना, एंड द पर्सन हु डू द जॉब और हु गेट द जॉब एंड डू देयर वर्क इज एन एम्प्लॉई। समझ में आ गया होगा कि एम्प्लॉयर कौन है, द पर्सन हु प्रोवाइड द जॉब एंड द पर्सन हु गेट द जॉब एंड डू देयर वर्क इज एन एम्प्लॉई। बराबर, तो सेम यहां पर है, ईआर एंड ई का फर्क है, ड्रॉवर एंड ड्रॉई पता चल गया होगा कि ड्रॉवर है तो मतलब द पर्सन हु गिव, जस्ट लाइक ड्रॉवर इज अ पर्सन हु राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, he is generally the creditor who had sold goods on credit। कौन है ये बंदा? creditor है जिसने बिल उसे दिया है। जैसे अगर आपको यहाँ पे example के तौर पे अगर समझा जाए तो A नाम का person है ना, इसकी क्या है, इनकी खुद की एक shop है, इनकी खुद की एक shop है। यहाँ पे राहुल नाम का कोई person है ना, राहुल नाम का कोई पर्सन है, डोंट टेक इट एज सीरियस, जस्ट एन एग्जांपल है राहुल नाम से। बराबर, ए नाम की शॉप है, क्या है इनकी, फर्नीचर की कोई शॉप होगी। राहुल वहां पर गए, कौन सी 1/8/2020 इस डेट को वहां पर गए, उन्होंने क्या किया, फर्नीचर परचेस किए, कैसे, क्रेडिट में परचेस किए, तभी तो आप बिल दोगे। कैसे आए, क्रेडिट में राहुल ने परचेस किए, दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ ठीक है क्रेडिट पे दे रहा हूं, एक डेट पे बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज कर लेते कि कौन सी डेट तक आप पैसे दोगे। दोनों ने डिस्कस किया, ए पर्सन एंड राहुल ने क्या बताया कि भाई 10th डेट को, 10/8/2020 को आपका फर्नीचर का जितना भी अमाउंट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। बराबर, ये डेट दी गई है। बराबर, तो ड्रॉवर की तरफ से कौन, ड्रॉवर की तरफ से एक बिल बनाया जाएगा कि कौन सी डेट को, क्योंकि मैं आपको ये चीज दे रहा हूं, बिल बनाएंगे कि मैं तुमको फर्नीचर दे रहा हूं क्रेडिट पे सो एंड सो अमाउंट के, लास्ट में नीचे लिख दिया जाएगा कि कौन सी डेट को दिया, ये डेट तो पहले ही आ गई, कौन सी डेट को पेमेंट मिलेगा 10/8/2020 को मुझे इसके यहां से पेमेंट मिलने वाला है, किसको दे दिया जाएगा, राहुल नाम के पर्सन को दे दिया जाएगा। बराबर, यही चीज आपको बताएगा यहाँ पे, the creditor who sold goods on credit, वही पर्सन क्या बना के देगा आपको। बराबर, यहाँ पे भी देखो कौन बना के दे रहा है, ए नाम का जो पर्सन है वो क्या आपको बिल बना के दे रहा है, क्या कर रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो नोट है बना के किसको दे दिया जा रहा है, राहुल नाम का जो पर्सन है इसे दे रहे हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्या है, ड्रॉई, ड्रॉई इज अ पर्सन अपॉन हुम द बिल इज ड्रॉन, मींस ड्रॉई वो पर्सन है जिसके लिए बिल किसके लिखा गया है, इस पर्सन के लिए दिया है, दैट मींस इसको हम बिल देंगे, किसको देंगे, ड्रॉई को, तो ड्रॉन मींस उसको दिया जा रहा है। He is generally
the debtor to whom goods have been sold on credit. बराबर, bill is generally signed and accepted by the drawee. क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया गया यहाँ पे A नाम के पर्सन है, इन्होंने क्या किया, बिल पे एक्सचेंज किया, क्रेडिट पे चीज खरीदे थे कौन, राहुल, एक्सेप्ट किया, ये कौन है, क्रेडिटर है, क्योंकि क्रेडिट पे यही प्रोवाइड कर रहे किसको, राहुल को, राहुल ए नाम की शॉप है जिसकी, उसके लिए कौन हुआ, डेटर, राहुल कौन हो गया, डेटर. बिल एक्सेप्ट कौन करेगा, राहुल ही करेगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करेंगे, आइदर यू कैन से एक्सेप्ट और यू कैन से एज अ ड्रॉन. किसके लिए था ये बिल, राहुल के लिए ये था. ए नाम की जिसकी शॉप है, ए पर्सन, वो क्या करेंगे, जो भी उन्होंने बिल बनाया है उस बिल पे उनकी सर्टेन जो अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट एंड उनकी स्पेसिफाइड डेट, किस डेट को उनके पेमेंट रिटर्न आएगा, एंड क्या है यहां पर उनकी साइन कंपलसरी है. इफ अगर साइन नहीं होगी तो कोई भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, आप कुछ भी बोलो, वो रिटर्न में वैलिड नहीं गिनाता है. बराबर, साइन कंपलसरी होगी, किसकी साइन होगी, द पर्सन हु प्रोवाइड एंड द पर्सन हु रिसीव, ये दोनों की साइन उस पे होना जरूरी है, तभी तो वो बिल ऑफ जो उनका बनेगा एक फॉर्मेट, वो जिस तरीके बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, साइन आएगी, डेट, क्या प्रोडक्ट लिया, वो अंदर एक नरेशन पे सब कुछ लिख के रखा होगा, जो भी चीज मैंने आपको इस तरीके से बताई एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा होगा, किस तरीके से लिखा होगा आगे देखना, कि किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट भी प्रिपेयर किया जाता है. बराबर, चलो नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इतना समझ में आया. नेक्स्ट आ गए हम एक्सेप्टर पे, ही इज द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, इज नोन एज एक्सेप्टर. इजी फॉर्मेट में समझ में आ गया, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ही समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्टर किसे बोला जाएगा, द पर्सन हु रिसीव, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज एक्सेप्टर. क्लियर, जनरली डेटर और यू कैन से एज अ ड्रॉई. यहां पर आप नंबर ऑफ टाइम डेटर्स को क्या बोलना, ड्रॉई के नाम से ही पहचानना, बराबर, तभी याद होगा, अदरवाइज डेटर डेटर याद रखोगे तो ड्रॉई याद नहीं रख पाओगे. डेटर कौन होता है, ड्रॉई, बराबर, जो चीज ले रहा है, बराबर, कौन है, ड्रॉई. जनरली ड्रॉई इज द एक्सेप्टर, बट समटाइम्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी एक्सेप्टेड बाय समवन आल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द ड्रॉई. नॉर्मली द ड्रॉई एंड द एक्सेप्टर आर द सेम पार्टी. जस्ट लाइक आपको एग्जाम्पल क्या बताया गया है, यहां पर राहुल नाम के पर्सन थे. आजकल का टाइम क्या है, आजकल हम कोई भी चीज परचेस करना हो तो फोन पे ले लेते हैं, बराबर, फोन से परचेस कर दिया जाता है, या देखो फोन से, टेलीफोन से, ऑनलाइन भी आप कर लेते हैं बहुत सी चीज परचेस. अभी ऑनलाइन का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक ऑनलाइन का एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो, लेकिन ऑनलाइन तो कैसा होता है भाई, कैश पे ही होता है ना, कैश पे होता है, आइदर यू कैन से एज एन ईएमआई पे जाता है, बराबर. तो अब इसके अंदर किस तरीके से एग्जांपल आपको मिलेगा, उसके अंदर ऐसा मिलेगा, देखना, आप कभी भी कोई भी चीज परचेस करते हो ना, बराबर, कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेस किया होगा ऑनलाइन पे, देखना, नहीं देखा हो तो एक बार देख लेना, कोई भी चीज परचेस करो, या अदरवाइज कोई भी स्विगी जोमेटो इन सबका भी है, या कोई भी चीज लो, तब क्या बोलेंगे, आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है ना, आपका जो एड्रेस है वहां पर तो बता देते, लेकिन इफ अगर उस जगह पर आप नहीं हो, तब आपको एक और चीज पूछी जाती है, इफ अगर आप नहीं हो तो किसी और के वहां पे, या आपके जो नेबर है ना, या आपके जो नेबर है, क्या उनको हम ये चीज, क्या ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये उनको हम दे सकते हैं, जो आपके जो नेबर होंगे इनको हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, उनके बारे में भी आपको दिया जाता है. क्यों, क्योंकि ये मालूम है कि जो इनका नेबर है और जो पर्सन इस चीज का ऑर्डर ले रहा है ना, जिसने ऑर्डर दिया है, ये दोनों के बीच में एक लिंक है, एक रिलेशन है, बराबर. अगर मैं इसको दे दूं तो ये यहां से ये पर्सन ले लेगा, ये पर्सन यहां से भी जाके ले ही लेगा,
देखना ये बहुत सी बार आपको देखने मिलेगा। सेम ऐसा ही एग्जांपल आपको किसमें बताया जा रहा है कि अगर ऑनलाइन लोग ने परचेज किया और ए नाम के पर्सन की शॉप थी, बताया था ना ए शॉप है, फर्नीचर की शॉप थी, राहुल नाम के पर्सन ने परचेज किया, लेकिन कैसे परचेज किया, यहाँ पे डायरेक्ट टेलीफोन से परचेज कर लिया है कि ऑर्डर दे दिया टेलीफोन से, फोन लगाया था किसको, ए शॉप में फोन लगाया, क्या बोला कि भाई 10,000 के फर्नीचर में कुछ चेयर्स चाहिए, क्या चाहिए 10,000 की चेयर्स चाहिए, तो आप उसे भेज दो, आज 1 तारीख है 1/8/2020, मैं आपको आपका पेमेंट 10/8/2020 तक मिल जाएगा। बराबर उस टाइम पे ए नाम का जो पर्सन है उनने क्या बोला कि ठीक है मैं आपको एग्री करता हूं, दे देते तो मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों आया है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है, वो कैसे हुआ है, क्रेडिट में है, इसीलिए क्या देना पड़ रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर कैश में होता फिर तो बात ही खत्म, ट्रांजैक्शन ही हमारा कंप्लीट हो जाता। यहां पर आपको मैच्योरिटी डेट भी दे दी गई कि कौन सी डेट को वो आपको पैसा भी देगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन था ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया है। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, सामने वाला पर्सन अपनी साइन करेगा, पहले तो साइन होगी, देन अपनी जो शॉप है उसका नाम, खुद का नाम, डेट, सारी डिटेल लिखेगा। लास्ट एक स्टेप क्या होती है, तो पर्सन हु रिसीव द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये कौन सा पर्सन होगा जिसको मैं बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करूं, तब इसको भी तो पता चले कि हाँ वही पर्सन था कि नहीं। तब उसके अंदर क्या बोला जाएगा, राहुल सर को बोला जाएगा, क्या सर मैं आपका ही नाम लिखूं, आप ही ये बिल रिसीव करोगे, बराबर। तो उस टाइम पर राहुल बोलेंगे कि नहीं मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूं, मेरे बिहाफ पे मेरा जो भाई है कौन, तरुण, मेरा भाई तरुण, वो मेरे बिहाफ पे बिल रिसीव कर लेगा, बराबर। बिल रिसीव कौन कर लेगा, तरुण। तब क्या होगा, जो ए नाम का पर्सन है उस बिल पे किसका नाम लिखेगा, तरुण का नाम लिखेगा, क्या कि बिहाफ, राहुल के बिहाफ पे तरुण ये चीज एक्सेप्ट करेगा। तब क्या होगा, ए नाम का जो पर्सन है अपना एक एम्प्लॉय को भेजेगा कि भाई जाओ बिल ऑफ एक्सचेंज, राहुल नाम की पर्सन है इनके वहां पर दे के आओ, इनकी शॉप पे आप दे के आओ। किसको देना, राहुल सर तो है नहीं, तरुण है, तो तरुण की इसके ऊपर साइन जरूर लेना, तब पता चले ना कि हाँ जो बोला था सही पर्सन के पास गया। सर इतनी मगजमारी क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो इसलिए कि इन फ्यूचर कभी ऐसा ना हो कि ए शॉप वाला बोले कि भाई मैंने आपको बिल भेजा था उस दिन, तब राहुल बोलेगा भाई मैं तो वहां था ही नहीं, आपने किसको दिया, मुझे ये सब नहीं मालूम, मुझे तो कोई बिल नहीं मिला है, बराबर। इसीलिए एक जन के बिहाफ पे भी पूछ ले जा रहा है, जैसे आपने देखा ना बैंक में कोई भी आप चीज बनाओ आपको एक नॉमिनी बोल दिया जाता है कि आपके बिहाफ पे और भी कोई है जिसको हम नॉमिनी रख सके, सपोज आप नहीं रहे तो किसी और को हम दे देंगे, हर जगह पे एक नॉमिनी जैसा रखा ही जाता है, तब बोल देंगे कि हाँ भाई तरुण है जिसको, तरुण को हमने दिया था आपके बिहाफ पे, तरुण ने लिया, डेट मीन्स इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इन्होंने प्रॉपर ट्रांजेक्शन कर दिया, डेट मीन्स बिल सही पर्सन के पास पहुंच गया। तरुण का और राहुल का बीच में रिलेशन तो है ही, तभी तो उन लोग ने क्या बोला है कि ठीक है तुम उसे ये चीज दे दो, बराबर, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाई, है ना, ये सब यही चीज बताई गई आपको। नॉट वेयर द ड्रॉअर एंड द एक्सेप्टर आर द सेम पार्टी, बराबर, जो ड्रॉई है और एक्सेप्टर, जहां पे ड्रॉई कौन था, राहुल, एक्सेप्ट कौन कर रहा था, तरुण, बराबर, समझ में आया, ड्रॉई कौन था, ड्रॉई इज द राहुल एंड द एक्सेप्टर इज तरुण, क्लियर। चलिए आ जाओ नेक्स्ट, पे इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या बताया है, पे इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, द अमाउंट इन द बिल इज टू बी पेड टू द पे, इन मोस्ट केसेस ड्रॉअर एंड द पे विल बी द सेम, बराबर। अब यहां पर एक चीज देखो क्या बताया जा रहा है, सेम,
जब आप बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट करने वाले एक के बिहाफ पे कोई हो सकता है, तो मे बी ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जब पे कर रहा है जो सामने से दे रहा है उसके बिहाफ पे भी कोई बना रहा हो। जैसे आपने बहुत सी जगह पे देखा होगा, अभी जिसका कोई ओनर है बराबर, कोई भी शॉप में कोई चीज का एक ओनर होता है, उनका एक ओनर होता है, तो क्या हर जगह आपको वही आके बिल बना के देता है? वही आएगा जो बड़ा एकदम है, जैसे भी रिलायंस में तो क्या अंबानी साहब आके आपको बिल बना के देंगे जियो का? नहीं, उनके बिहाफ पे उन्होंने रखा हुआ एक पर्सन को कि हाँ ये वर्क करेगा, तो अगर वो भी वो पर्सन या वी कैन से ऐसे जो इम्प्लॉय है वो जियो का ही है, तो वो भी अगर आपको जो बिल बना के वो अपनी साइन करेगा तो वो सही ही माना जाएगा, क्योंकि वो इम्प्लॉय उस जगह का। सेम वैसा ही बताया गया है, मोस्ट केसेस ड्रॉवर एट द पे विल बी दी सेम। अगर कोई बिल बना के दे रहा है, कौन सा बिल बना के, जैसे यहाँ पर दिया था अभी राहुल वाला एग्जांपल था, है ना, ए शॉप, जरूरी है ए शॉप वाला पर्सन जो ओनर है वही बना के देगा आपको, इसकी जगह पे कौन होगा? मे बी इसकी जगह पे जो उसका कोई भाई भाई होगा जिसका नाम होगा उदित, ये उसका नाम है, तो इस पर्सन ने आपको बिल बना के ट्रांसफर कर दिया, बराबर, दोनों के बीच में एक रिलेशन तो होगा, तभी जाके ये हो रहा है, बराबर। उदित नाम के पर्सन ने बिल किसको बना के दे दिया? राहुल के नाम से बनाया। अब राहुल बोल रहे कि मैं उस दिन नहीं, तो ठीक है राहुल का नाम कैंसिल करके तरुण के नाम पे ये बिल जान दो, बराबर। जैसे एक्सेप्ट में एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो बिल बनाने वाले में भी एक से ज्यादा तो हो ही सकते हैं, है ना। चलो समझने की बात है, सिर्फ प्रैक्टिकल है, क्लियर ना? चलो देख लो किस तरीके से बनाया जाता है, बराबर। कुछ इस तरीके से आपकी नोट बनाई जाती है। मे बी अगर जिसने भी बैंक के अंदर डिपॉजिट स्लिप भरी होगी ना, उसके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, इजी फॉर्मेट में ही होगा। किस तरीके से लिखा जाएगा? सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ, जैसा अभी आपको बताया गया कि राहुल नाम के पर्सन ने फर्नीचर परचेज ए शॉप से, तो वो किस तरीके का बिल बना के देंगे? तो वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपको फॉर्मेट बनाना होगा, इसलिए आप ऐसा लिखोगे। बाकी जो रियल हमारा नोट बनाते हैं उसके ऊपर टाइटल में ही दे दिया जाता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्लियर। चलो एंड क्या है, न्यू दिल्ली June 17, 2014 कितने की अमाउंट थी, यहां पर स्पेसिफाई कर दी गई है नहीं, 3 month आफ्टर डेट। कौन सी 3 month आफ्टर डेट? जिस डेट को उन्होंने परचेस किए 17 जून, इसके बाद की क्या है, 3 month आफ्टर 3 month डेट पे श्री राजकुमार और ऑर्डर द सम ऑफ ₹45,000 ओनली वैल्यू रिसीव्ड। कौन दे रहा है? रोहित बैनर्जी। ये चीज लिख के किसको दे रहे हैं? श्री नंदन किशोर कपड़ाई दिल्ली। किसके लिए जा रहा है ये? रोहित बैनर्जी के लिए जा रहा है ना। 3 months आफ्टर डेट, 3 month जून है, तो जून के बाद पे 3 month, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड मैंने आपको बताया था कि मैच्योरिटी डेट भी आप देंगे। इस डेट सितंबर आया तो सितंबर 17 नहीं, प्लस 3 डेज कर देना, तो 22014 सितंबर आ जाएगा, है ना, बराबर। तब जाके मैच्योरिटी 3 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं हर किसी के लिए। चलो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से, आपका क्या है फॉर्मेट प्रिपेयर हो रहा है, कहां पर है? श्री नंद किशोर शक्करपुरा दिल्ली। अमाउंट लिखेंगे, स्टैंप आएगा, बराबर। टू किसके लिए था ये? श्री नंद किशोर के लिए था। कौन है हम लोग? रोहित बैनर्जी, मींस समझ लो ए नाम का पर्सन का नाम क्या है यहाँ पे, रोहित बैनर्जी, राहुल नाम का पर्सन ये रहा। कहां पर उनकी शॉप? कौन है पर्सन? कहां पर? दिल्ली में है। अपना यहाँ पर स्टैंप आएगा किसका? आप प्रोवाइड कर रहे हो हर एक बिजनेसमैन का, उनके नाम के शॉप का एक स्टैंप होता है, बराबर, या तो स्टैंप होता है या स्टीकर या उनका लोगो होता है, बराबर। तो वैसे मुझे कोई भी एक चीज यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बिल बना के तो कोई भी दे सकता है, मार्केट में बहुत इजीली आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, बराबर। लेकिन जो स्टैंप होता है ये हर किसी के पास सेम पैसा मिलना थोड़ा मुश्किल है, बराबर। आइदर यू कैन आप स्टैंप दे सकते हो, अपना सिग्नेचर दे सकते हो, या दो पार्टी के बीच में अगर सपोज जैसे कोई कोड है तो कोड भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो, क्लियर। नंबर ऑफ वेज में आप बिल ऑफ एक्सचेंज
कर सकते हो, लेकिन साइन एंड स्टैम्प ज्यादातर यही चीज चलती है, बराबर। चलिए तो कुछ इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज आप सेम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, जितने की अमाउंट है उतनी अमाउंट रिटर्न में लिखनी होगी एंड द लास्ट में आप क्या लिखेंगे, ओनली, बराबर। लास्ट में क्या आएगा, ओनली। और यहां पर अमाउंट में एक चीज नहीं है, जब कभी भी आपके अमाउंट आप लिख रहे हो तो लास्ट में कुछ इस तरीके से कर दिया करो, बराबर। नहीं तो अदरवाइज ये तो क्या था, 45,000 था, कोई भी क्या कर सकता है। अब जैसे यही है, इसमें एक चीज करके ये हो गया, ले लो भाई, तब क्या हो जाएगा, एकदम सबका बिल कैंसिल हो जाएगा, बराबर। कुछ भी हो सकता है, अगर किसी को कुछ कैंसिल करना हो तो कहीं पे भी, ये यहां पर नहीं, आप कहीं पे भी इन फ्यूचर कहीं पे भी अमाउंट अगर लिख रहे हो, सपोज आपकी अमाउंट जो भी है वॉट एवर 50,000 रुपीज थी, बहुत से लोग को कॉमा लगाने की भी हैबिट नहीं होती तो वो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, बराबर। और ऐसा करके अगर आप किसी को दे दो, किसी ने गलती से अगर जानबूझ के या एक जीरो लगा दिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसलिए क्या करना चाहिए, जैसे आपकी अमाउंट कंप्लीट हो रही है, सपोज अगर आपने इस तरीके से भी लिखा, हैबिट नहीं है कि कॉमा कब लगाते हैं कैसा नहीं पता है, लग रहा है 50,000 हो गया है, स्लैश करके इस तरीके से कर दो, दैट मींस आपका यहां पर इतनी ही अमाउंट आएगी। और हमेशा चालू इस तरीके से, जैसे ये बॉक्स था आपको पे करना है, यहां से लेफ्ट हैंड साइड से एकदम कॉर्नर से ही स्टार्ट करना, बराबर। ये तो पता चले आपका बॉक्स कुछ इस तरीके से, यहां से आप चालू कर दे, है ना, ऐसा नहीं करना, तो यहां पर ये लो बढ़ जाएगा, बराबर। कैसे भी हो सकता है, आपका बॉक्स जिस तरीके से दिया हो वो यहीं से आप चालू करेंगे, कुछ इस तरीके से ही फॉर्मेट लिखा जाना चाहिए। एंड स्पेलिंग जब भी आप लिखेंगे, लास्ट में जब कंप्लीट होता है, जैसे 50,000 लास्ट में ओनली वर्ड आना ही चाहिए, बराबर। नहीं तो 45,330 ओ, है ना, कुछ भी एकदम आगे कोई भी कंटिन्यू कर सकता है, ओनली के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। एंड कोई भी चीज का बिल ऑफ एक्सचेंज हो या कोई भी नोट हो, आप किसी भी चीज की किसी को नोट दे रहे हो, प्रॉमिसरी नोट हो, चेक हो, या आप डिपॉजिट स्लिप भर रहे हो, पे स्लिप भर रहे हो, अगर उसके अंदर कोई भी चीज ऐसी कैंसल दिखी है ना, कोई भी चीज आपने कैंसल करी हो, तो वो वैलिड नहीं गिना जाता है, उसे डिस्कार्ड ही कर दिया जाता है कि नहीं इस चीज की जरूरत नहीं है, मे बी ये कुछ गड़बड़ है, उसको उसी तरीके से देखा जाता है, बराबर। ये तो बेसिक चीज है, कुछ इस तरीके से आपको करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, 11.1.1 प्रॉमिसरी नोट। अब आ जाते हैं हमारे प्रॉमिसरी नोट पे, क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, कौन सा है, सेक्शन नंबर 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन सा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 5। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, इस तरीके के नोट नहीं आपको स्पेसिफाई कर दिए गए कि प्रॉमिसरी नोट क्या होती है। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू अ पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली और ओनली टू ऑर्डर द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। देन प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल अंडरराइटिंग इन राइटिंग बाय द मेकर टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू द स्पेसिफाइड पर्सन और टू द बियरर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट अब यहां पर आपको कौन लिख के देगा, आपको एग्जांपल बताऊं समझ में आ जाएगा डायरेक्ट, कौन, राहुल नाम का जो पर्सन है वो प्रॉमिसरी नोट लिख दे, किसको, ए नाम के पर्सन को यहां पर लिख दी जाएगी कि भाई लो इस डेट को आपका व्हाटएवर जो आपकी डेट है इस डेट को मैं आपका जो भी अमाउंट है ये इस डेट पे आपको दे दूंगा, क्लियर। प्रॉमिसरी नोट किसकी तरफ से आती है, नेक्स्ट आ जाओ फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट क्या है, फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, फर्स्ट इट इज एन अनकंडीशनल राइटिंग रिटर्न अंडरटेकिंग टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट,
बराबर, कोई कंडीशन नहीं आती कि नहीं इस तरीके से ही लिखना। अनकंडीशनल नंबर ऑफ पेज में आप लिख सकते हो, कंटेंट बताओ, नरेशन प्रॉपर दो बराबर, ताकि पता चले कि क्या कंटेंट था अंदर, वो पूरा अच्छे से बताओ। देन इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर और वी कैन से एज अ प्रोमिसर, बराबर, इट इज साइंड एंड इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर। प्रोमिसरी नोट आपको पूछ सकते हैं कि प्रोमिसरी नोट किसके द्वारा साइन किया जाता है एज अ प्रोमिसर। देन इट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द पे, कौन पे कर रहा है उसका स्पेसिफाई करेंगे नेम। द स्पेसिफिक अमाउंट इज पेबल टू द स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बेयरर। सेम जैसे यहां पर आपको बताया गया था कि अगर कोई पर्सन है उसे पे करना है, मींस यहां पर कौन था, जो क्रेडिटर था, जो कुछ चीज प्रोवाइड कर रहा था, तो वो अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन से पर्सन को देगा, वो यहां पूछ रहा था बराबर कि भाई कौन ले लेगा, अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारे बिहाफ में किसका नाम लिखूं, तुम उसको बिल दे दूं बराबर। अब सेम यही चीज किसकी तरफ से होगी, यहां वाला जो पर्सन है वो क्या करेगा, पे की एक स्लिप बनाएगा और वी कैन से एज अ प्रॉमिसरी नोट कि मैं इस दिन आपको पैसा दे दूंगा बराबर। ट्रांजेक्शन इस तरीके से ही होता है, क्रेडिटर वाले बिल ऑफ एक्सचेंज भेजेगा, वहां से जो पर्सन है डेटर है वो क्या करेगा, एक नोट भेजेगा जो क्या है, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है मैं आपको इस डेट को पैसा दे दूंगा। अब यहां पर भी वो पर्सन क्या पूछ रहा है कि भाई जो मैं नोट लेके भेज रहा हूं तो वो कौन पर्सन होगा जो रिसीव करेगा, नहीं तो ऐसे तो मेरा नोट भेज के कहीं चला जाएगा है ना। तब से वो भी क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा पर्सन होगा जो रिसीव करेगा, या आपके बिहाफ पे भी कोई होगा जो मेरे नोट को रिसीव करेगा, इफ अगर हो तो उसके बारे में बताओ, तो मैं यहां पर उस नोट में उनका जो प्रॉमिसरी नोट है उसके अंदर उस पर्सन का भी नाम स्पेसिफाई करो बराबर। प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी इज पेड ऑन द प्रॉमिसरी नोट बराबर, आपको बताया गया था क्या आएगा, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी आनी चाहिए। यही लाइन एक और लिख रहा, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी इज पेड ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल ऑफ एक्सचेंज था ना हमारा, इसके अंदर यहां पर एक पॉइंट था जिसके अंदर मे बी दिया हुआ नहीं है, प्रॉपर स्टैंप मस्ट बी मेड। एक और सेंटेंस लिख लेना, 7 पॉइंट हो जाएंगे आपके यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज में बराबर, प्रॉपर स्टैंप इज पेड ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, कि ये एक और पॉइंट हो गया। देन इट इज नॉट पेएबल टू द बियर, इट इज नॉट पेएबल टू द बियरर बराबर। नहीं सेम टू सेम आएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है आपको, क्या आपका पार्टी फॉर प्रॉमिस, पार्टीज ऑफ प्रॉमिसरी नोट दिए हुए, क्या है पार्टीज ऑफ प्रॉमिसरी नोट दे दिए गए। चलो क्या है, ड्रॉवर ही इज द पर्सन हु मेक द प्रॉमिस टू द टू पे द अमाउंट, ही इज द डेटर। यहां पर कौन ये चीज दे रहा है, ड्रॉवर कौन बन गया, राहुल नाम का पर्सन कौन बन गया है, राहुल नाम का पर्सन हमने देखा था एग्जांपल में जो फर्नीचर परचेस कर रहा था, वो राहुल नाम का पर्सन क्या बन गया, ड्रॉवर। क्यों, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट अब कौन लिख के दे रहा है, राहुल दे रहा है, इसलिए वो कौन हुआ, ड्रॉवर। द पर्सन हु गिव, ड्रॉवर की तरफ से आ रहा है द पर्सन हु गिव, एंड द ड्रॉय द पर्सन हु रिसीव बराबर। ये प्रॉमिसरी नोट लिख के किसको दे रहे, जिनके पास से इन्हें खरीदा था, मींस वो तो क्रेडिटर था, तो उनको दिया जा रहा है। अब कौन है वो, ड्रॉइंग एक्सेप्ट कर रहा है, ही इज द पर्सन इन हूज फेवर द प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन, इनके लिए लिखा गया है। जनरली ही इज द क्रेडिटर, सीधी सी बात है, ये पर्सन कौन है, क्रेडिटर है, इन्हीं के पास से हमने लिया था ना, क्रेडिट पे लिया था तो क्रेडिटर है माने, तो इन अ प्रॉमिसरी नोट द ड्रॉइंग एंड द पे आर द सेम पार्टी, ड्रॉइंग एंड द पे आर द सेम पार्टी बराबर। अब द पे के बारे में बताया गया है, द पे इज अ पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड बराबर, द पे इज अ पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड, ही इज द क्रेडिटर, कौन होता है, ही इज द क्रेडिटर, याद रखना ये सब बराबर। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आ सकता है, प्रॉमिसरी नोट किस तरीके की होगी, कुछ ऐसी दिखेगी
हमारी प्रोमिसरी नोट, स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट, न्यू दिल्ली June 17, 2014, बराबर 25,000 की आपकी अमाउंट थी, बराबर स्टैंप दिया हुआ है। 3 months after date, we promise to pay Miss Rajesh Enterprise on order a sum of rupee 25,000 only with interest at 10% per annum value received। क्या बताया गया है? अब यहाँ पर देखो, हम बोला ना हर किसी का अलग अलग होता है। कोई अगर इतने लंबे टाइम पे, इफ अगर कोई क्रेडिट में आपको कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है ना, तो उसके सामने नंबर ऑफ टाइम क्या वो इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, फ्री में नहीं देगा क्या? 0% इंटरेस्ट पे नहीं मिलता है, सर्टेन अमाउंट का कुछ इंटरेस्ट भी उस पे चार्ज करेगा। जैसे यहाँ पर है 10% का इंटरेस्ट एनुअली चार्ज किया जा रहा है, मतलब एक साल का है, एक साल का है, पर डे का नहीं है या पर मंथ भी नहीं है, पर वीक नहीं है, एक साल का है भाई। अब तू जब दे रहा हो तब ठीक है, यहाँ पर 3 months की बात की गई है, जून है, डेट मीन सितंबर 20 तक में 3 days मैच्योरिटी, बराबर। तो September 17 और यू कैन से 20 तक पूरा पेमेंट जो है, कितना है पेमेंट? 25,000 रुपीस का जो पेमेंट है, रिटर्न में दिखाओगे ओनली तक ये पेमेंट आपको मिल जाएगा। एंड कौन है जो पर्सन लिख के दे रहा है? रहीम ब्रदर्स ये लिख के दे रहे हैं। यहाँ पर एक चीज थी, यहाँ पर किसको लिख के दे रहे थे? टू, वो भी यहाँ पे आ जाना चाहिए जैसे आपने यहाँ पर लिखा है, बराबर। ये चीज यहाँ लिखो, ये यहाँ पे टू करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्रोमिसरी नोट जो लिख रहा है, दैट मींस द पर्सन हु गेट, बराबर, हमको पैसा चुकाना था, हम प्रोमिसरी नोट लिख रहे हैं, तो आइदर आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्टैंप आना चाहिए, है ना। और एक शॉप का अपना एक स्टैंप होता है, किसी का रेक्टेंगल शेप में होता है, किसी का कोई लोगो होता है, या सर्कल तो कॉमन ही है, बराबर। सर्कल के अंदर तो इस तरीके से आ जाते हैं, यहाँ पे किसी का नाम वाम लिख के कोई सिंबल आ जाता है, बराबर। सबके अलग अलग, अदरवाइज कोई डिजाइन फॉर्मेट करवाता है, ऐसा तो नहीं होता होगा स्टैंप, है ना, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। सबका अपना अपने तरीके से आता है, क्लियर। देखो प्रॉमिसरी नोट एग्जांपल दिया हुआ आपको, जस्ट सेम